क्या बात है, आइए सर। अरे किसको, अरे मैडम जी, क्या बात है, अरे पूरा अगेंस्ट लाइट मेरा मोबाइल तो दे भाई, मेरे को भी एक दो वीडियो बनाने का। इधर क्या मेरा मोबाइल लेकर आते यार। अच्छा लाइट है ना, आइए। अरे वो कौन है, थैंक यू सर। अरे विनोद क्या कर रहा है यार, पहली बार काम कर रहा है। आ जाओ चलेगा। हाँ सर बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं। दोनों बेटे छोटे हैं और अभी बड़े। अच्छा ये भी आ रहा है भाई, 230 विल बी लीविंग फ्रॉम योर। या इधर इधर देख, 230 तो यहाँ से निकल रहा है घर से। अरे यार सर, आज इतनी बड़ी दुखी घड़ी, आप अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा तो परिवार ही है, ये हमारे बच्चे जो है रफीक और आशू जो, ये और मेरी बेटी जैमी, ये साथ में बड़े हुए हैं, तो हम लोग का बिल्कुल फैमिली रिलेशन है। और सालों से 58 ईयर्स समझ लो है ना, और फिर उन्होंने, वो इतने बड़े स्टार थे लेकिन हमको हमेशा प्यार दिया उन्होंने। फिर हमने सोचा नहीं था कि हमारा भी इतना नाम होगा, लेकिन हम लोगों का रिलेशन ऐसे ही रहा और अभी भी साथ में ही थे। वायरल घर आना जाना ये वो सब, लेकिन हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे, हमने एक भाई को खोया है और बहुत बड़े आर्टिस्ट हमारे बीच में नहीं रहे। अगर बात करें सर उनके काम करने के तरीके की, तो किस तरीके के सर वो अपने फील्ड में अपने तरीके से काम करते थे, क्या कुछ जोश रहता था सर का उस टाइम पर? इन्होंने बहुत काम किया, हर स्टार के साथ उन्होंने काम किया, उसके बाद उन्होंने फिल्में बनाई, हिंदी फिल्म बनाई, उसके बाद में मराठी फिल्में उन्होंने बनाई, तो उसमें कोई ज़्यादा फिल्में चली नहीं और कोई ज़्यादा उन्होंने पैसे नहीं बनाए, बल्कि पैसे काफ़ी उन्होंने डाले इसमें नुकसान। लड़ते रहे लेकिन फिर भी नहीं, यहाँ तक के वो बीमार पड़े ना, ये एक महीने से पता चला मेरे को, 20-30 दिन तब तक का वो शो कर रहे थे, शो चलता रहा, बहुत मेहनती थे, उन्हें शोज का काम कुछ ना कुछ करते ही रहते। सर आप हॉस्पिटल में भी गए थे उनसे मिलने, क्या कुछ बात की तब उन्होंने आपसे, क्या कुछ कहा आपको? हॉस्पिटल में मेरी फ़ोन पे बात होती रहती थी, मिलते भी थे, लेकिन भाई ये थे सलामत भाई, सलाम भाई उनके साथ ही रहते थे, उनकी बड़ी बड़ी खिदमत की और उनसे मैं पूरा इन्फॉर्मेशन लिया करता था। फ़ोन पे मेरी बात होती रहती थी रोज़ हर टाइम पे, हर 5-10 मिनट, और वैसे भी रोज़ हमसे बात होती रहती, तो ऐसा रिलेशन था। और बस मे गॉड ब्लेस हिज सोल। थैंक यू सर।